नमस्कार दुनिया आज तक में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दुनिया आज तक में दिखाएंगे अमेरिका में भूअंडर से भारी तबाही, साथ ही दिखाएंगे स्पेन के जंगलों से आग से बड़ा नुकसान। लेकिन शुरुआत दुनिया की टॉप 10 खबरों के साथ। आपराधिक मुकदमे का सम्मान करने के लिए मात्र 24 घंटे में ट्रंप ने जुटाए $40,00,000। 4 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसा देने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति पर चलेगा मुकदमा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए $15.6 अरब के लोन पैकेज को मंजूरी दी। आईएमएफ ने कहा युद्ध से तबाह यूक्रेन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए दिए जा रहे पैकेज। यूक्रेन के भूचा में युद्ध के दौरान मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने अपनों को किया याद। शहर पर रूसी हमले के दौरान मारे गए थे 1400 से ज्यादा लोग। ईरान के सरकारी टीवी का दावा, इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में गिराए बम। सीरियाई सरकार के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे एक ईरानी अधिकारी की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला पहुंची ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग्वेन। भारी भरकम आर्थिक मदद की कर सकती है ऐलान। होंडुरास की तरह ग्वाटेमाला को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है चीन। अरकनसास में आए विनाशकारी बवंडर से भारी तबाही। 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से उड़ गए सैकड़ों घर के छत। वाहनों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान। इराक की राजधानी बगदाद में रेतीले तूफान से दिन में ही छा गया अंधेरा। पूरे शहर में धूल भरने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ। विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे जंगलों में भीषण आग, कई गांव और शहर प्रभावित। घनी आबादी वाले इलाके से सटे जंगल में लगी आग पर काबू पाने में जुटे 600 से ज्यादा दमकल कर्मी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव के खिलाफ मार्च। ट्रांसजेंडर्स को समान अधिकार दिए जाने की मांग। दक्षिण कैरोलिना, अलबामा, मिनेसोटा, नेब्रास्का और मोंटाना में भी मार्च। रमजान के दूसरे शुक्रवार को दुनिया भर की मस्जिदों में नमाज के लिए देखी भारी भीड़। यरूशलेम के अलक्सा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई नमाज। रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग 1 महीने रखते हैं रोजा। अमेरिका के अरकनसास में आए विनाशकारी बवंडर से भारी तबाही मची हुई है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से सैकड़ों घर के छत उखड़ गए, जबकि वाहनों और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बवंडर से 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अमेरिका के दक्षिणी राज्य अरकनसास में आए विनाशकारी बवंडर से भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों घरों की जहां छत उड़ गई है, वहीं गाड़ियों और बुनियादी ढांचों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बवंडर से अरकनसास में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। अनुमान है कि राज्य के 93,000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। अरकनसास का सबसे बड़ा शहर लिटिल रॉक इस बवंडर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, साथ ही बड़े बड़े ओले गिरे। लिटिल रॉक के मेयर ने बवंडर में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। इस समय हम 24 लोगों के बारे में जानते हैं जिन्हें लिटिल रॉक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमें अब तक लिटिल रॉक में हुई किसी भी मौत की जानकारी नहीं है। इस बवंडर की चपेट में आने वाले इलाकों में उत्तर पूर्वी इलिनॉय, उत्तर पश्चिमी इंडियाना, दक्षिणी विस्कोंसिन और मिशिगन झील के इलाके भी शामिल हैं। नेशनल वेदर सर्विसेज के मुताबिक बवंडर से 2,08,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने हालात को बहुत गंभीर बताया है। फिलहाल बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में $10 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। उत्तरी स्पेन में ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। 90 से ज्यादा जगहों पर लगी आग की वजह से कई गांव और शहरों को खाली करवाना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए 600 से ज्यादा दमकल कर्मियों के साथ हेलीकॉप्टर्स और आग बुझाने वाले विमानों को लगाया गया है। स्पेन में गर्मी के दस्तक देते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऑस्टूरियस के हरे भरे जंगलों में 90 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। इस आगजनी में अब तक का सबसे बड़ा इलाका जलकर खाक हो चुका है। आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर फैलती जा रही है।
ऐसे में एहतियात के तौर पर कई गांव और शहरों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बढ़ते तापमान और तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस पर काबू पाने के लिए 600 से ज्यादा दमकल कर्मियों के साथ हेलीकॉप्टर और आग बुझाने वाले विमानों को लगाया गया है। Estamos haciendo una quema de ensanche y para que cuando venga el fuego, que nos comunican que viene con virulencia de los pueblos de abajo, se encuentre ya con esta franja de discontinuidad y así evitamos que avance a la granja que tenemos aquí en la parte superior nuestra. Y es el objetivo, salvar esta granja ahora mismo, que otro medio hora no hay, hay que evitar los pueblos porque esto es muy complicado, se puede ver aquí cómo está avanzando. स्पेन की सरकार को डर है कि अगर आग रिहायशी इलाकों में पहुंची तो बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में जंगलों के पास से गुजरने वाली सड़कें और राजमार्गों को भी बंद कर दिया गया। जंगलों में इतने बड़े पैमाने पर आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय मीडिया में कहा जा रहा है कि यहां के चरवाहों ने आग लगाई है ताकि उनके पशुओं के लिए बड़ा चरगाह मिल सके। पुलिस ने आग कैसे लगी इसकी जाँच शुरू कर दी है, साथ ही जंगलों में आग लगाने वालों की पहचान के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। वही रूसी हमले में तबाह हुए बूचा शहर को भी संवारने की कोशिश जारी है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी शामिल है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इस शहर में आतंकी हमला किया था। एक साल पहले हुए इस नरसंहार में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बर्बादी के दौर से गुजर चुके ये लोग उस शहर के बाशिंदे हैं जो नई उम्मीदों के साथ अपनी दुनिया फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। बूचा शहर के इन लोगों ने रूस और यूक्रेन में हुई भीषण जंग में अपना सब कुछ गंवा दिया। इसकी गवाही ये शहर खुद ब खुद दे रहा है। युद्ध के जख्म एक साल बाद भी शहर के चप्पे चप्पे पर नजर आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ के लोग उन जख्मों की निशानियों को इस कदर मिटा देना चाहते हैं जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके घर, फुटपाथ, सड़कों, पार्कों और बिजली सप्लाई से लेकर हर छोटी से छोटी चीजों को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकार के लोग भी शामिल है जो इस बर्बाद शहर को फिर से संवारने में जुटे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बूचा में युद्ध का मंजर लोगों के दिलों में घाव बनकर बैठा हुआ है। अब यहाँ सड़कों के दोनों ओर उन शहीद सैनिकों की तस्वीरें भी नजर आएंगी जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेने और शहर को बचाने में खुद को मिटा दिया। शहर को सवारने के बीच बूचा में अब भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रॉकेट और गोलीबारी की आवाज यहाँ के लोगों को दहशत में डाल देती है। रूस और यूक्रेन की जंग में बूचा शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा था। यूक्रेन ने यहाँ हुए नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था और इसे आतंकी हमला बताया था। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने यहाँ 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि रूस ने बूचा में किसी भी किस्म की क्रूरता में संलिप्त होने से इनकार किया है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। गुरुवार को पोलैंड की सेना ने दक्षिण कोरिया की होविजर तोपों और K2 ब्लैक पैंथर टैंक का प्रदर्शन कर अपनी सैन्य क्षमता की नुमाइश की। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर पोलैंड तेजी से सेना के आधुनिकीकरण में जुटा है, जिसके तहत पिछले साल ही पोलैंड ने दो दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ $5.76 बिलियन की डील की है। इस दौरान होविजर तोपों, लड़ाकू जेट और रॉकेट लॉन्चर सहित अन्य हथियार दक्षिण कोरियाई कंपनी पोलैंड को सौंपेगी। पिछले साल अगस्त में पड़ोसी रूस के साथ तनाव के बाद पोलैंड ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया। ये ताजा ड्रिल भी इसी का हिस्सा है। इसके साथ ही दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें आज तक। बहुत नमस्कार।